जितेंद्र कुमार से और धूमित नाम के दो लड़कों से आपने विवाह किए हैं जी, पहला और दूसरा धूमित। आसमाइए, ये आप गुरु जी से बात कर रहे हो। पहले आपको लग रहा था कि मैं कोई साइंस का या साइकोलॉजिकल मास्टर हूं। मैं मास्टर या डॉक्टर नहीं हूं, मैं गुरु हूं। गुरु की आप शिष्य की तरह रही है। यदि यहां को जानने आई है तो आप, मैं नहीं कहता कि आप झुक के रहिए, मैं नहीं कहता कि आप अपने विषय ज्ञान को शून्य कर दीजिए, नहीं, आप प्रखर रहिए, लेकिन आप पहले समझिए, जानिए और अपनी आंखों से पढ़िए। और मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है जी। और मम्मी के लिए पूछना है मुझे, मम्मी के लिए क्या पूछना है? मेरी मम्मा का लीवर डैमेज है और पापा भी मेरे बीमार है। आपने अभी तक कहां कहां झाड़ फूक कराई, कहां कहां दिखा भी, मतलब एक तरह से कोई कोना नहीं छोड़ा। कहां कहां गई? पंजाब भी दिखाया है, सोनीपत में भी दिखाया है, दिल्ली में भी दिखाया है, बट कहीं आराम नहीं लग रहा। इवन अभी भी बहुत ज्यादा बीमार है, उनको फीवर अभी भी बहुत। अब हमने क्या लिखा सुनिए। शादी आपने दो विवाह किए, पहले बोले यस एंड नो। यस। क्या विवाह किए आपने? दो। गर्भ पात्र हो गए हैं आपने, पहले पति से भी गर्भ पात्र हुए हैं और दूसरे से भी हुए हैं जी। दवा देकर आपने दवा खाकर आपने गर्भ पात्र किए हैं, इसलिए बच्चे सुख होने में गति अवरोध है, क्योंकि आपके भाग में जो संतान का योग था वो निकल चुका है, परंतु उसके बाद ही मेरा आशीर्वाद है, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। जितेंद्र कुमार से और धूमित नाम के दो लड़कों से आपने विवाह किए हैं जी। जितेंद्र कुमार और धूमित, तो ये बताएं जितेंद्र कौन है? जितेंद्र मेरा पहला और दूसरा धूमित। आपका नाम साक्षी देवी है, आपको बालक होगा, आपके पैर में राज एवं छड़ पड़ी है, सो निकल जाएगी, ठीक होगा, आशीर्वाद है। पथरी ठीक होगा, ससुर एवं सतीचंद्र और कलेश रहता है, सासू माता से भी परेशानी रहती है, मां को पथरी की समस्या हल होगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। साथ में ही पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, मैं गारंटी देता हूं आपका मनोरथ पूर्ण होगा बेटा, आपको बच्चा होगा, आपका पैर ठीक होगा, आपकी माताजी ठीक होंगी, उनका लीवर हो, शरीर का कोई भी पार्ट्स हो, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, यहां की जल भभूति लो, अपने संबंधित डॉक्टर का उपचार लीजिए, दवा लग जाएगी, पंडोकर सरकार का आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है? क्या बोला ठीक हो जाएगा सारा कुछ। संतुष्ट नहीं हो? नहीं संतुष्ट नहीं हो क्या? नहीं संतुष्ट। कुछ परीक्षा की बात करना चाहते हो तो परीक्षा ही बात कर लीजिए, ले लीजिए परीक्षा, कुछ लिख के देना चाहते हो तो लिख के दे दीजिए। नहीं, वैसे मैं परेशान हूँ, वैसे कोई परीक्षा नहीं लेनी। बेटा आपके ऊपर प्रेत बाधा कराया गया है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके घर में भारी चक्कर है, कराया गया है। मेरे जो माइका है वो पैसे वाइज भी इतना नहीं है, मेरा जो माइका घर है वो मतलब पैसे वाइज इतना नहीं है, सही नहीं है, और पैसे फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, और इसकी वजह से बहुत परेशानी घर में, दिक्कत रहती है, कलेश रहता है, और मैंने इस चीज़ के बारे में पूछना है। आप क्या 2000 रुपये दे सकती हैं? जी दे दीजिए, पर्स में रख मंगा लीजिए। कहाँ पर्स? मम्मी पर्स, कोई व्यक्ति वहाँ से पर्स लेके आए इनका। और मेरी मम्मी को फीवर है, मेडिसिन 2 बार। आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी, इनकी पर्ची कटेगी, ठीक है, मैं फ्री में देखता नहीं हूं, क्योंकि फ्री में माल देता नहीं हूं और फ्री में कोई माल मिलता भी नहीं है, और जो फ्री में माल देता है मैं गारंटी देता हूं कि वो दुनिया में सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता और ना कभी कभी कोई दे सकता है, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो फ्री में वितरित करता हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, तभी वो दे रहा है, फ्री में तो दे नहीं सकता, दुनिया में कोई नहीं दे सकता फ्री में है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आप पहले तो हमको, मैं ऐसी चीज दे रहा हूं वो सुनिए, पढ़ी लिखी है जी। दुनिया का सबसे बड़ा कोड गुप्त क्या होता जानते हो? क्या होता? क्या चीज सबसे ज्यादा गुप्त, क्या चीज होती है? दान। लड़की की नाना प्यार, प्रेम, गुप्त प्रसंग, और आदमी के नाने और महिलाओं के नाने अन्य लोगों के लिए गुप्त होता पासवर्ड, मोबाइल का कोड, नहीं और बड़े आदमियों के नाने बैंक का पासवर्ड होता क्या? नहीं, लॉकर, बड़े आदमियों के नाने लॉकर, ठीक है, मैं तुम्हारा एक एक लॉकर समझता हूं, इतना लॉकर खोलूंगा कि कसम से ये पूरा जो काजल है सब नीचे,
एक बार में। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी गारंटी है तुम्हारी वादा खत्म, पंडो का दाम 5 मोस्ट करें। और आप कोई एटीएम चलाती हो, पीएनबी का या एचडीएफसी का चलाती हो, कौन सी कंपनी की चलाती हो? एचडीएफसी। हाँ, एचडीएफसी। पेटीएम चलाती हो? एटीएम, एटीएम यूज करती हूँ मोस्टली, गूगल पे। मतलब आप नहीं चलाती हो? एटीएम यूज नहीं करती ज्यादा, वो यूज करती हूँ ऑनलाइन पेमेंट वगैरह। अच्छा, आप सिंडिकेट कंपनी का बैंक का तो एटीएम चलाती हो, झूठ क्यों बोल रही हो? सिंडिकेट में मेरा खाता ही नहीं है। हां, सिंडिकेट में खाता नहीं है मेरा। सही बताओ? सीरियसली नहीं है। पक्का? पक्का, सिंडिकेट में खाता नहीं है, मम्मी का है मेरी। मुझे तो इसमें दिख रहा है मेरी मम्मी का है, मेरा नहीं है। दिखा। अब वो भी कैनरा में चेंज हो गया है। वो भी कैनरा में चेंज हो गया, सिंडिकेट मर्ज हो गया ना। ये देखा, माँ का एटीएम चलाती है जिसका नंबर है 40-13-75-82-81-30-95-18 है। देखा, और इतने जो नोट नंबर लिखे ना, ये सब भगवान को चढ़ा देना, दूध जलेबी बांट देना, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है, अब ये पंडोकर सर का दरबार है, आप इकड़ना मत। यहाँ वो ही कर सकता है जो दूध का साफ होगा, बैल का दूध का दला होगा। आदि गड़बड़ आदमी है तो फटाक से सिक्स लगता है। मैं इसी चाहती हूँ कि मैं जो रॉड है उसका ऑपरेशन सब हो जाएगा, निपट जाएगा। 5 समोसा करो, जितने जो पैसे लेके तुम पे आज, कल, परसों, अगले महीना, अगले साल, 10 साल बाद इतनी संख्या नोटों के लिखे हैं, इतने नोट मिला के कितने हो रहे हैं। यदि आपके बजट के बाहर हो तो अगले महीना कर लेना, और बजट के बाहर हो तो अगले साल कर देना, लेकिन दूध जलेबी का वितरण करा देना, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जाओ भागो, भागो, अब तो खुश। मम्मी भी कर दो। ये क्या है? भागो, खड़े हो। मम्मी भी कृपा कर, मम्मी की पर्ची कटेगी। भागो, फीवर तो उतार दो। हाँ, फीवर उतर जाएगा 2 मिनट में। अभी फीवर है उनको? बहुत ज्यादा। पक्का? जाओ, ठंडी हो गई, जाओ चेक कर लो, जाओ पहुंचो। उतनी ठंडी हो गई जितना शरीर की टेम्परेचर बॉडी की आवश्यकता है, क्योंकि जलोदर होने के कारण से लीवर में लीवर सोरासिस है। नीचे जाइए, लगातार देखते रहिए, और आपकी जन अदालत न्यूज पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें, और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।